आज के इस वीडियो में पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत अदाकाराओं की ईद के पहले दिन और दूसरे दिन की खूबसूरत सी तस्वीर और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट सारा खान, प्रेग्नेंट सजल अली और प्रेग्नेंट इकरा अजीज की तस्वीर भी शेयर करेंगे। इन तमाम अदाकाराओं की ईद के पहले दिन और दूसरे दिन की तमाम तस्वीर और वीडियोस देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी अदाकारा खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा सारा खान की बात करें तो सारा खान और फलक शबीर ने अपनी ईद के पहले दिन की खूबसूरत सी तस्वीर मदाहों को दिखाते हुए ईद की ढेरों मुबारकबाद दी। सारा खान ने ईद पर व्हाइट और पिंक जबकि फलक शबीर ने लाइट कलर का ड्रेस पहना। और सारा खान और फलक शबीर की तस्वीर में फूल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है कि फलक शबीर पूरी इंडस्ट्री में अपने फूलों की वजह से मशहूर है। दोनों की प्यार भरी तस्वीर को मदाहों ने काफी ज्यादा पसंद किया और प्रेग्नेंट सारा खान इन तस्वीर में काफी खूबसूरत भी लगी। लेकिन प्रेग्नेंट सजल अली और प्रेग्नेंट इकरा अजीज की तस्वीर तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद खूबसूरत अदाकार जोड़े बिलाल कुरैशी और अरूसा कुरैशी की बात करें तो बिलाल कुरैशी और अरूसा कुरैशी ने ईद के पहले दिन ट्विनी ड्रेसिंग की और ईद के पहले दिन ब्लू कलर के लिबास पहने और अपने पहले दिन की तस्वीर मदाहों को दिखाई। ये कपल इंडस्ट्री में अपनी ट्विनी ड्रेसिंग की वजह से मशहूर है क्योंकि हर फैमिली फंक्शन पर अरूसा बिलाल ट्विनी ड्रेसिंग में नजर आते हैं। तो इस कपल की ईद की तमाम तस्वीर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खूबसूरत अदाकारा मावरा हुसैन ने सी ग्रीन कलर का खूबसूरत ड्रेस पहने सबको ईद के पहले दिन की ढेरों मुबारकबाद दी। आयमा बेग भी ईद के पहले दिन खूबसूरत सा शरारा पहने नजर आई। किंजा हाशमी की बात करें तो किंजा हाशमी ने कुर्बानी से पहले तो स्किन और पीच कलर की ड्रेस के साथ तस्वीर शेयर की थी लेकिन कुर्बानी के बाद ब्लू कलर का खूबसूरत ड्रेस पहने हुए नजर आई और तमाम तस्वीर मदाहों के साथ शेयर करते हुए मदाहों को ईद की ढेरों मुबारकबाद दी। अगर मोमल शेख की बात करें तो मोमल शेख ने ईद के पहले दिन पैरट कलर का लिबास पहना और अपने बेटे के साथ ट्विनी ड्रेसिंग की और इसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत तस्वीर में काफी खूबसूरत लग रही थी। मोमल शेख की क्यूट सी फैमिली की ईद के पहले दिन की ये खूबसूरत सी तस्वीर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिनाल खान ने भी ईद के पहले दिन कुर्बानी से पहले पिंक कलर का ड्रेस पहना और तमाम मदाहों को ईद विश की। प्रेग्नेंट इकरा अजीज की बात करें तो जो की सारा खान और इकरा अजीज दोनों प्रेग्नेंट है, दोनों ने सेम हेयर स्टाइल बनवाया और ईद के पहले दिन दोनों काफी खूबसूरत भी लगी। सारा खान ने व्हाइट ड्रेस पहना तो इकरा अजीज ने भी लाइट कलर का ड्रेस पहना। मगर ईद के पहले दिन आप लोगों को इकरा अजीज और सारा खान में से कौन सी अदाकारा ज्यादा खूबसूरत लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन सी अदाकारा का ईद के पहले दिन का लिबास सबसे ज्यादा प्यारा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके बाद बात करते हैं इन खूबसूरत अदाकाराओं की ईद के दूसरे दिन के ड्रेसिंग के बारे में और साथ ही साथ ईद के दूसरे दिन की खूबसूरत सी तस्वीर और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम अदाकारों की ईद के दूसरे दिन की तस्वीर और वीडियोस शेयर करने से पहले आपको बताते चलें कि सबा कमर, सबूर अली और आयजा खान की ईद के दूसरे दिन की तस्वीर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो कि ईद के दूसरे दिन किसी परी से कम नहीं लग रही। आयजा खान वैसे तो हर फंक्शन पर कुछ खास ही अहतमाम करती हैं और ईद के तीसरे दिन काफी खूबसूरत कपड़े पहने हुए नजर आती हैं और ईद को काफी शानदार अंदाज से मनाती हैं। आयजा खान ईद के पहले दिन और चांद रात वाले दिन भी अपने बकरों के साथ काफी हसीन लगी मगर ईद के दूसरे दिन तो आयजा खान ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो ईद के दूसरे दिन की तमाम तस्वीर और वीडियो देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करें अरिबा हबीब की तो अरिबा हबीब ने ईद के पहले दिन स्किन जबकि दूसरे दिन ब्लैक ड्रेस का इंतहाब किया और बगैर बाजुओं के फ्रॉक पहने ईद के दूसरे दिन अरिबा हबीब काफी खूबसूरत भी लगी। अरिबा हबीब की ईद के दूसरे दिन की तमाम तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं मगर तमाम तस्वीर देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को अरिबा हबीब ईद के दूसरे दिन कैसी लगी। इसके बाद निदा यासिर की बात करें तो मशहूर अदाकारा निदा यासिर ईद के पहले दिन ग्रीन ड्रेस में जबकि ईद के दूसरे दिन ब्लू कलर का ड्रेस पहने नजर आई। निदा यासिर ने ईद के दूसरे दिन पूरी फैमिली के साथ नहीं बल्कि यासिर नवाज के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीर शेयर की जबकि हर ईद पर निदा यासिर अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ नजर आती थी। लेकिन इस बार निदा यासिर और यासिर नवाज का रोमांस देखकर लोगों ने निदा यासिर पर काफी तनकीद की कि कैमरा बंद करके रोमांस करें सबके सामने नहीं। मगर आप लोगों को निदा यासिर की ईद के दूसरे दिन की तस्वीर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जारा नूर अब्बास ईद के पहले दिन तो नजर नहीं आई मगर ईद के दूसरे दिन जारा नूर अब्बास ने पिंक ड्रेस में सबको हैरान कर दिया और इसके साथ साथ सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद दी। निमरा खान की बात करें तो मशहूर अदाकारा निमरा खान जो कि हर ईद पर अपनी छोटी बहन के साथ ट्विनी ड्रेसिंग करती हैं, इस ईद पर ईद के दूसरे दिन अकेले ही नजर आईं और ईद के दूसरे दिन स्किन कलर के लिबास में काफी खूबसूरत भी लगी। ईद की तस्वीर दिखाते हुए निमरा खान ने मदाहों से सवाल भी किया कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। सनम जंग ने ईद के दूसरे दिन अपनी बेटी के साथ ट्विनी ड्रेसिंग की और काफी खूबसूरत लगी जबकि ईद के पहले
पहले दिन सनम जंग इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगी। हेलो, दिस इज सनम। हाय, दिस इज लायन सनू। मेकिंग अ वीडियो ऑफ ईद मुबारक। सनम चौधरी जो कि शादी के बाद अमेरिका में शिफ्ट हो गई हैं, मगर ईद का त्यौहार वहाँ पर भी काफी शानदार अंदाज से मनाती हैं। सनम चौधरी ईद के पहले दिन तो नजर नहीं आईं, मगर ईद के दूसरे दिन अपने शोहर के साथ काफी रोमांटिक तस्वीर शेयर करते हुए अपने तमाम मुसलमान फैंस को ईद मुबारक विश की। आयमा बेग भी अपने होने वाले शोहर के साथ ईद का दूसरा दिन मनाते हुए नजर आईं और अपने बॉयफ्रेंड के गले लगे ईद के दूसरे दिन की कुछ खूबसूरत सी तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर की। यशमा गिल भी ईद के दूसरे दिन काफी खूबसूरत लगी, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यमुना जिद्दी की बात करें तो यमुना जिद्दी भी ईद के दूसरे दिन येलो ड्रेस में चूड़ियां पहने काफी खूबसूरत लगी, मगर आप लोगों को यमुना जिद्दी की ये तमाम तस्वीर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ईद के दूसरे दिन आप लोगों को कौन सी अदाकारा ज्यादा खूबसूरत लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। धुले से गाल, वाह क्या कमाल, तेरा जिक्र हो या हो ख्याल, जिंदगी पाक हुई चली जाती है। तेरी जात हमें हर बार एक नया हुनर सिखाती है। मेरे वजूद को अमर कर दे, तेरे ख्याल में मुझे बेखबर कर दे। जस्तजू एक रहे तुझसे सिलसिले काफी, और सारी उम्र के लिए हो जाए तो मुझसे राजी।